वालों ने जो रोड बनाया ये तो बहुत पहले से बना था, अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन हुई, पिछले साल करोड़ों पैसा खर्चाया इसमें, लेकिन ड्रेन या बांध नहीं दिया। ये जो ज़मीन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, तकरीबन 40 कनाल, ये बगीचे बगीचे सब खिसक रहे हैं। हमारी ST के तकरीबन 7-8 घर ऊपर रह रहे हैं, वहाँ दराड़े पड़ गई हैं, और हम जाते हैं हुकाम के पास, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता है। पता नहीं क्या वजह है, कोई आकर इसका कोई अजाला करता है कि कल ये ज़मीन तो गई, आप मकान भी जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, समझ नहीं आता है। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर दिए भाई, वो हुआ ये हुआ, होता कुछ नहीं है। इधर हमारी एक बस्ती है आलन में, 6 महीने रोड बांध रहता है, करोड़ों पैसा खर्च होता है ST के नाम से, लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, यहाँ कोई हमारी मदद करता ही नहीं, अगर करता है तो सिर्फ मीडिया करता है। पिछले बार भी हमारे 1-2 मसले हुए, तो अगर वो उभारे बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं कश्मीर क्राउन के और मीडिया के, उनके ज़रिए हमारी कुछ मुश्किलात जो हैं हल हो सकती हैं। बाकी अगर देखें तो हुकूमत का नाम ले, हुकूमत कहीं पर नहीं है। हम DC साहब से, तहसीलदार साहब, सब को 1 साल से जाकर गुजारिश करते हैं, भाई यहाँ आओ देखो, इन अफसरों को पूछो, अगर करोड़ों रुपया इन्होंने निकाला है, ये ड्रेन या बांध इस ज़मीन को क्यों नहीं दी गई। और ये बस्ती इस वक्त ककरा रही है, 8 घर ST के वो ऊपर मकान है, आप देख सकते हैं खुद भी, और हम रात को नींद नहीं करते कि भाई कब ये ज़मीन खिसक जाएगी, हमारे मकानों को भी खतरा है। और कोई परेशान नहीं है, जो यहाँ गरीब लोग हैं कोई पूछता नहीं है। अपील यही रहेगी कि एक तो हमारा ये मसला है, यहाँ ये ड्रेन बांध इसका इंतज़ाम किया, अगर दूसरा इसको भी कुछ ना कुछ होता, और हमारी ऊपर बस्ती है। वो खैर मुकदम है हमारे गाँव के अंदर आने के लिए, आपने यहाँ पर देख लिया, हर जगह आप खुद घूमे, पोजिशन देखी क्या हाल हो रखा है, और ये ज़मींदार साहिबान इधर मेरे साथ में है, और मैं बशीत अवकाफ सदर लामड़ में हूँ, और 5 हज़ार भी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, जो यहाँ पे जो रोड हमारी बनी हुई है PMGY ने बनाई थी, यहाँ पे ऊपर रोड जा रहा है, आपने देखा है, उसके ऊपर बस्ती भी बड़ी कुछ बस्ती हमारी है, गुजर बस्ती, और जो है जिस वक्त रोड बनाया गया उस वक्त ड्रेन का कोई ख्याल नहीं रखा गया, जब ये पानी जो ऊपर से आ रहा है वो नीचे जा रहा है, और नीचे से जो बगीचे हैं यहाँ पर सेब के बगीचे लगे हुए हैं आपने देख लिया है, तो ये सेब के बगीचों का बहुत डैमेज हो गया है, और ये पूरा बाग जितना भी है ये 30-35 कनाल के ऊपर है, और ये पूरा का पूरा जो है ढह गया है और खिसक गया है पूरा, अभी जो है ये तो खिसक गया है, इसके अलावा जो बस्ती ऊपर है अब उनको भी खतरा लायक हो गया है, और उनके दरारें लगी पड़ी लगी हुई है उनके मकानों में, और वो बस्ती जो है बिल्कुल तशवीश में है इस वक्त, और हम आपकी वसाकत से मुतला का हुकाम को कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए, और DC साहब से भी गुजारिश करते हैं, और जो मौकम है एग्रीकल्चर है, और इस एग्रीकल्चर को भी हम कहना चाहते हैं कि वो यहाँ आके यहाँ आ जाए, और हार्टिकल्चर जो है बाग है और ज़मीन जो है एग्रीकल्चर को आ जाती है, और वो भी आ जाएँ और यहाँ मायना करके इसको जो है किसी न तरीके से इस नुकसान को रोका जाए, क्योंकि ये जो है कम से कम 2 मोहल्ले जो हैं उनका जो ज़मीन जो है ये इसके अंदर इस बगीचों के अंदर आती है। ख़ासकर PMGY से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि रोड जो बनाया आपने ये जो है खुदा के नाम पर छोड़ दिया है, और जो है ड्रेनेज जो सिस्टम था उसका वो तो किया ही नहीं है, और जो बंड देने वाले थे ये तो नीचे वाला पोर्शन आपने देख लिया, अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो ऊपर वाला भी जो है नीचे आ रहा है, वो भी जो है बहुत डैमेज हो गया है, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, और जो PMG जो अभी जो कंस्ट्रक्शन रोड कर रही है यहाँ पे आधे को मैकडम डाला हुआ है, आधे को नहीं डाला है, और उसको जो है जल्द से जल्द इसको कुछ ना कुछ अजाला किया जाए और ड्रेन को लगाया जाए, ताकि जो है यो इससे पहले, क्योंकि बरसात आने वाली है और जो ये बाग जो है ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये तो ज़मीन है लेकिन ऊपर जो बस्ती लगी है उनको जान का खतरा हो सकता है। सुपर हाईटेक एग्रोटोनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमतन बागन वातनामन खाद जैसे सुपर हाईटेक एग्रोटोनिक खाद छे क्या से वारिया बेहतर का नमन पन्नन वागन मंज के में कम से कम 7 वरी ये इस्तेमाल करा मेवस करान पलाल गगन गालान न्या पैदावार आसान बिसियार रूट राटस करान मिस्मार छे रूट राट के शिकारन खत्म सूट छे साइज जानन बराबर बड़न बागन बापत बहुन किलो हुन पैक सब्जी डोरन वोश चमनन तपंग बारन लागान शू 5 किलो हुन तो पैक चलान से सानिन में कुलेन आव है शू रंग खुद जबरदस्त 4-5 सूट जरा यूनिवर्सिटी दीवान गारंटी न्यवस्त कांग्रेस असल क्वालिटी अगर ये खाद भी पनी बागस में फिर इस्तेमाल सुपर हाईटेक एग्रो खाद इडी वारिया पर कुनुशत अर्शीत पर पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक्ति वाली नए अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर जिरातस्त आमदनी सप्तान हो जाए सुपर हाईटेक खाद यश छे सारा बेहतरीन नतीजा आमी अखमाद फूल नारन
مجھ کام لگان اصلی کھاد ہند اکوئی نشان سپر ہائی ٹیک دور پرزلان میوست وارن وات امداد امکوئی گرانیول تھو یار نارمل ہائی تو الٹرا ان ہلس نیران ام سک من سبزی مر سہ تل تیوتہ فائدہ کہ ونچی کت آن یہ کھاد ترین تم اکہ لٹ تم وچن پانے ساری امک فائدہ کتیاں ہائی ٹیک ایگروٹونک آرگینک کھاد مزید تفصیلات خطر کرو رابطہ باردانہ سپر ہائی ٹیک ایگروٹونک پرائیویٹ لمیٹڈ نزدیک وانی مسجد پلوامہ کشمیر سون ای میل آئی ڈی info@superhightechagrotonic.com تو سون کانٹیکٹ نمبر 9906961600 9419026233 0193324019 Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333.